रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, नए नए सांचे में ढलते हैं। एक पीढ़ी आती है, एक पीढ़ी जाती है, बनी कहानी नई। क्योंकि सास भी कभी बहू थी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। अभी मैं बोरियत से पागल हो रही हूँ, आप लोगों को लग रहा होगा क्योंकि मियाँ जी अगेन गए हुए हैं अपने टूर्नामेंट खेलने। बेटे साहब जो है वो बाहर खेल रहे हैं और फातिमा मेरे साथ हैं, ये मुझे कुछ करने नहीं दे रही। मैंने चिकन निकाल के रखा हुआ है, मुझे खाना बनाना है, मगर ये जो है वो रोए जा रही क्योंकि इनको फ्लू हुआ है। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा शोहल हो जाए और थोड़ी मस्ती हो जाए, तो मैंने ये वीडियो बना ली। और आज वुमेंस डे है, ख़वातीन का आलमी दिन है आज। तो इस मौके पर ख़वातीन के बारे में मैं क्या कहूँ, जितना कहें उतना कम है, क्योंकि हम ख़वातीन वी आर पावर, वी आर स्ट्रेंथ, और हम सब कुछ करने की हमारे अंदर सलाहियत है। अल्हम्दुलिल्लाह हम एक अकेले होकर पूरा घर को संभालते और क्योंकि कोई मर्द ऐसा नहीं कर सकता, आप किसी मर्द के हाथ में एक दिन अपने एक हवाले कर दें, एक दिन घर पूरा घर उल्टा हुआ उल्टा मिलेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर प्राउड वुमेंस और हमें बहुत फ़ख्र है कि हम एक औरत हैं, है ना भाई। हम लोगों का हमें बहुत फ़ख्र है कि हम ओ, और हम बच्चे भी संभालते हैं, हम घर भी संभालते हैं, हम सारे काम करते हैं और हमें थकते भी नहीं है, थकन भी नहीं होती हमें। अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं सीरियसली वी आर प्राउड ऑफ इट के वी आर मुस्लिम्स एंड वी आर वुमेन। और मुझे तो भाई यही है कि बस हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला के जो अहकामात हैं उनसे उनके साथ चलें, उनको फॉलो करते हुए चलें। अल्लाह ताला ने कुछ भी हमारे लिए, ज़ाहिर है सब कुछ अच्छा ही अल्लाह ताला ने हमारे लिए लिखा है, हमारे लिए कहा है, फरमाया है। तो अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करते हुए अगर हम ज़िंदगी को गुजारें तो यकीनन हमारी ख़वातीन के जितने हुकूक इस्लाम में हैं वो दुनिया के किसी भी मज़हब में नहीं है। हमें तो फ़ख्र करना चाहिए कि हम जो है वे कैसे माशरे से हमारा ताल्लुक़ है, ऐसे मज़हब से हमारा ताल्लुक़ है जहाँ पर ख़वातीन के हुकूक भरे पड़े हैं। तो मेरी गुड़िया को खांसी हो रही है, फिर अब इस बारे में हम फिर कभी इंशाल्लाह बात करेंगे। आप सबको मेरी तरफ़ से ख़वातीन का आलम दीन वुमेंस डे बहुत ज़्यादा मुबारक हो। आप सब जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। और हम सबको अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, कोरोना वायरस जो आजकल चल रहा है अल्लाह ताला सबको महफूज रखे हम सबको। और थैंक यू, बस अपना ख्याल रखिएगा आप लोग सब, हर दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। वीडियो लाइक करिए, मतलब अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, ना अच्छी लगे तो ना कीजिएगा, लेकिन अगर हो मतलब अच्छा है कि कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।